हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जहां से आपके क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, कभी मिस नहीं हुआ है, ठीक है। और वह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको पूरा कंप्लीट तैयार करना है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए वन शॉट रिवीजन फॉर नीट एंड बोर्ड। ये स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से 11 AM, जिसमें आपका कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, एक ही सेशन में। यहां पर आपको बहुत सारे एजुकेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन कराएंगे। यहां पर आप टाइमिंग देख सकते हो क्लासेस की, 11 AM, 3 PM, 1 PM, 4 PM और 6 PM। यहाँ पर आपको पीयूष सर, रवि प्रकाश सर, प्रणव देवेंद्र एंड अनमोल शर्मा पढ़ाएंगे, और जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन करें, वो ये क्लासेस अटेंड करें, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करें, उस लिंक पर क्लिक करके आपको वहाँ पर एक कोड एंटर करोगे तो आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ही आप उसे डालोगे तो वो क्लासेस आपके अनलॉक हो जाएंगे और वो क्लासेस आप बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग, तो आज की इस वीडियो में मैं इसको पूरा समझाने वाला आपका हूं। गॉस का नियम भी प्रूव करवाऊंगा और उसके अनुप्रयोग भी करवाऊंगा। गॉस के नियम के आपको 3 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। एक अनंत लंबाई का कोई समतल आवेशित, ठीक है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित कोई चालक तार है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। अगर अनंत लंबाई का कोई समतल चादर है, ठीक है, तो उसके कारण, और अनंत लंबाई का अगर कोई समतल प्लेट है, तो चादर और प्लेट एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो उसको बहुत ध्यान से समझना होगा। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस के नियम की, कि गॉस का नियम है क्या। अगर हम इनके स्टेटमेंट की बात करें, कथन की बात करें, तो इनका स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, या ऐसे कर सकते हो 1/ε0 गुणे कुल आवेश, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ करना है। हालांकि बहुतों को ये इसका प्रूफ पता होगा, क्योंकि कई बार इसका प्रूफ आपको करवा चुका हूं मैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर देखिए एक बार फिर करवा दे रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई चार्ज है, ये हमने एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है। अब इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया, ये छोटा सा क्षेत्रफल कितना ले लिया, dA। इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, ठीक है, एन कैप हमारा इधर है, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA भी इसी डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। इनके बीच कोण कितना है, मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इनके बीच कोण मान लेते हैं हमने कितना बना है, थीटा है, ठीक है। यहां से इसकी दूरी निकाल लेते हैं, कितनी दूरी है भाई, ठीक है, ये मान लेते हैं आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है, ठीक है, यहां पर स्थित कोई पॉइंट पी है, और इसकी दूरी कितनी है, आर है, स्मॉल आर है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 q बटे r स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक परिभाषा और है वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि ई ए ई डॉट ए, ठीक है, एक ए फार्मूला होता है। तो अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया कितना है ये चीज, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई यहां पर कैलकुलेट कर ली गई है। अब इस सूक्ष्म अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स डी फाइव ई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। एक ही आप वैल्यू रख लो समीकरण नंबर वन से, समीकरण नंबर वन यहां है आपका, वैल्यू रखो 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। समीकरण नंबर दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर दो। अब यहां पे हम देख रहे हैं ये चीज कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, बाकी सारी चीजें क्या है, ये तो रहा सूक्ष्म अवयव, लेकिन हमें चाहिए पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो लिखते हैं भाई, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स सूक्ष्म अवयव वाला निकल गया, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई, या डी फाई की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, क्यू अपान 4πε0 कांस्टेंट है बाहर ले लिया हमने, अंदर बचा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब ये डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है क्या, क्योंकि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर ये क्या है, सूक्ष्म अवयव डीए द्वारा केंद्र पर बना घनकोण है, क्या है, केंद्र पर बना घनकोण है, ठीक है, घनकोण है जिसको हम लोग टी ओमेगा लिख सकते हैं, क्या, घनकोण डी ओमेगा, ठीक है, कितना है डी ओमेगा। तो अब वैल्यू रख लो कितना जाएगा, 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ठीक है। तो अब ये संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा डी ओमेगा, यानी कोई भी एक अगर हमारा गोला है तो गोले के कारण या किसी भी गॉसियन पृष्ठ के कारण केंद्र पर बना हुआ कुल घनकोण कितना होता है, 2π, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2π, ठीक है, एक सेकंड, घन कोण की बात हो रही है ना, तो 4π होगी, ठीक है, घन कोण की बात की जा रही है, ठीक है, अगर सर्किल होगी तो 2π होगा, ठीक है, सर्किल है तो 2π होगा, लेकिन अगर कोई स्फीयर है या गोला है, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ जो है वो हमारा एक गोला है, ठीक है, यानी कि पूरा उसको कवर करती हुआ, जैसे यह है इसको हर एक साइड से कवर करता हुआ पृष्ठ हमने खींचा है, तो एक गोलाकार पृष्ठ होगा या कैसा भी पृष्ठ होगा, तो इसके कारण जो इसके केंद्र पर कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा,
फोर पाई, कितना बनेगा 4 पाई, तो वैल्यू रख लो फाइव ई इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पे वैल्यू कितनी थी क्यू अपॉन इनटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, आया कितना फाइव ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो चुका, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही गॉस का नियम भी, ठीक प्रूफ। चलिए अब इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुप्रयोग देखिए, ठीक है भाई, केवल गॉस के नियम से ही क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अनुप्रयोग, गॉस का नियम अगर आपने पढ़ा तो उसके अनुप्रयोग को भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चला आप गॉस का नियम पढ़ के जाओ, कह दो सर जी आपने कहा था और क्वेश्चन नहीं आया, तो भाई गॉस से रिलेटेड अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसको भी तैयार करिए, नहीं कोई भी टॉपिक तैयार करिए तो उसको पूरा तैयार करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनता है। अब पता चला टॉपिक में भी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है, टॉपिक के अंदर आप मत सेलेक्ट करो क्वेश्चन, आप टॉपिक सेलेक्ट करके अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबर पा सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए गॉस का नियम एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, गॉस का नियम जिसमें आएगा उसके अनुप्रयोग आएंगे, तो अभी एक तरीके से ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ, ठीक है, अभी पूरा टॉपिक बाकी है, तो अभी टॉपिक को देखते हैं। पहला, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार क्या है, एक समान आवेशित तार है, इसी के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार है, ठीक है, जो एक समान रूप से आवेशित है, इस पर चार्ज टोटल कितना है प्लस क्यू है, एक समान रूप से ये क्या है आवेशित है, ओके क्लियर। अब देखिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी, तो इस आवेशित चालक तार को कवर करता हुआ हम सबसे पहले तो एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। मान लेते हैं यहां बिंदु P पर हमें क्या करना है, R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसको कवर करता हुआ हम क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं, ठीक है, इसको कवर करता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, और गॉसियन पृष्ठ कुछ इस तरीके से खींचना है कि ये जो चालक तार है ये पूरी तरीके से उसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब ये चालक तार है तो चालक तार को कौन कवर करेगा, एक बेलन, ठीक है, तो यानी एक बेलनाकार हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं इस तरीके से मैंने क्या किया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, सबसे पहली बात तो यह है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई होगी, यही हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं यहां पर एक सूक्ष्म आयो हम ले लेते हैं, कितना डेल्टा ई, ठीक है, यह हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है डी ए, कितना है डी ए, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल यहां ले लेते हैं डी ए, डी ए, ठीक है। अब देखिए इस आवेशित चालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो प्लस चार्ज से बाहर की ओर होती है, यानी इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है 0 डिग्री। यहां पर अगर हम बात करें तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर होगा dA, इनके बीच कोण कितना बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद यहां पर लिया हमने क्या, एक सूक्ष्म आयो और इसका क्षेत्रफल वेक्टर खींचा, तो अब जो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स है वो कुछ इधर से निकल रहा, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, ठीक है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस वक्र पृष्ठ के लंबवत यानी इस साइड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वक्र पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम मान लेते हैं कितना, फाइव वन है। फाइव वन बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, ई डॉट डी ए, और ई यहां पे एंगल कितना जीरो, ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो आया कितना, ई डी ए। यहां पे देखिए मान लेते हैं फाइव टू है, ई डी ए कॉस, ई डी ए कॉस कितना 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई जीरो, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम फाइव वन प्लस फाइव टू, फाइव ई इक्वल टू, तो फाइव ई इक्वल टू फाइव वन की वैल्यू ई ए ई डी ए, ई डी ए ठीक है, इसकी जीरो। अब ये तो है क्या, इस सूक्ष्म आयोग के कारण, ठीक है, सूक्ष्म आयोग के कारण यहां डी फाइव आप लिख सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म आयोग वाला हो गया। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ से तो मिला कितना हमको, डी फाइव ई बराबर ई डी ए, ई डी ए, तो संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाइव ई, और ई बाहर ले लोगे तो इंटीग्रेशन डी ए, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे, डी ए है क्या, वक्र पृष्ठ है, सूक्ष्म वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, टू पाई आर होता है, कितना हो गया, ई इंटू टू पाई आर, ई इंटू टू पाई आर, और यहाँ पे गॉस का नियम लगा दोगे तो फाइव ई की जगह क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इधर हो गया ई इंटू टू पाई आर, ई इंटू टू पाई आर, तो ई को रखो उस साइड, बाकी सबको भेज दो इस साइड, ठीक है, ई को रखा हमने इस साइड और बाकी सबको भेज दिया क्या दूसरी साइड, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बटे टू पाई आर इंटू ई इक्वल टू ई, तो ई इक्वल टू कितना मिल गया, वन अपान टू पाई, ठीक है, टू पाई को अगर फोर पाई करें तो दो से ऊपर गुणा दो से नीचे, तो ये मान लो फोर पाई हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसकी जगह हो जाएगा 2q बटे r, ठीक है। ये हमारा किसके कारण, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलकर आ गई, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, अनंत लंबाई का अगर कोई समतल आवेशित चादर है तो उसके कारण कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी, समझ गए कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ऐसे समतल चादर के कारण, ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई हमारा एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है, जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। अब इसके कारण हमें क्या करनी है, r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना इस समतल आवेशित चादर का आवेश घनत्व कितना सिग्मा है, माना समतल आवेशित चादर का आवेश घनत्व सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान यानी टोटल चार्ज अपान A, Q अपान A, जहां पे A क्या है, इस समतल चादर का एरिया, क्या है,
समतल चादर का एरिया, क्वेश्चन नंबर वन। अब हमें इस चालक तार से r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गौसियन पृष्ठ खींच लेंगे। अब ये r इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और ऐसा ही पृष्ठ इधर भी, एक गौसियन पृष्ठ खींच लेते हैं r दूरी पर स्थित। यहां पर मान लेते हैं पॉइंट P है और यहां पर पॉइंट P डैश है, क्या है, पॉइंट P डैश है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखिए। अब एक गौसियन पृष्ठ हमने क्या किया, खींच लिया। अब इस गौसियन पृष्ठ से देखिए यहां पे एक सूक्ष्म अयव ले लेते हैं dA, यहां से जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर मान लेते हैं dA है, ओके, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो जाएगी। तो यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, दोनों के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ऊपर से जीरो हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर, क्षेत्रफल वेक्टर इधर, ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर इधर, तो यहां से भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो मान लेते हैं वहां फाइ मिल रही है, यहाँ फाइ डैश मिल रही है, मान लेते हैं यहाँ पे फाइ वन मिल रही है, ठीक है, फाइ वन, यहाँ मान लेते हैं फाइ वन डैश, कितना, फाइ वन डैश, क्लियर। चलिए आगे देखिए, तो इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाइ बराबर, डी फाइ ई बराबर फाइ वन डैश प्लस फाइ वन, फाइ वन डैश प्लस फाइ, फाइव वन डैश ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी वही होगी ई, और इसका भी क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल वेक्टर इसका भी कितना, डी ए ई डी ए, प्लस फाइव वन का कितना हो जाएगा, इसका भी ई डी ए, ई डी ए, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टू ई डी ए, टू ई डी ए, तो संपूर्ण क्षेत्रफल अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, संपूर्ण अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, या फिर ऐसे ही छोड़िए इसको, ठीक है, डी फाइव ई बराबर ये मिल गया। अब यहां पे हम क्या करें, गॉस का नियम लगा दें, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो dA सीधे सीधे कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल बनके कितना हो जाएगा, जितना समतल चादर का एरिया उतना हो जाएगा। तो phi e बराबर, संपूर्ण की अगर बात करें तो phi e बराबर 2 ea, 2 ea, ठीक है भाई, cos थीटा लगाओगे, cos थीटा की वैल्यू यहां पे देखिए 0 है, तो 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो phi e की जगह q / epsilon naught equal to 2 ea, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता e बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता e बराबर कितना हो जाएगा, q अपान 2 epsilon naught, और कुल आवेश q बराबर है कितना, सिग्मा इंटू ए, यहां से q की वैल्यू निकाल के रख दो, समीकरण नंबर एक से q की वैल्यू रखोगे तो सिग्मा इंटू ए अपान 2 epsilon naught, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई भाई, और इनटू नीचे 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 कर देखिए भाई ए, ठीक है, ए से ये कैंसिल हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना निकल गया, सिग्मा अपान टू एप्साइलन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व, क्या है, आवेश घनत्व, ठीक है। तो बात एकदम क्लियर हो, एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए, ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान रूप से समतल आवेशित चादर है, इससे r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु P पर हमने एक गौसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया। तो अब गौसियन बेलनाकार, जब हमने ये पृष्ठ खींच लिया, तो गौसियन बेलनाकार पृष्ठ के ये अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लेते हैं कितना है, फाइव वन है, कितना है, फाइव वन है, और इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण बनेगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल अनुप्रस्थ वाला। तो जितना ये क्षेत्रफल है उतना ये भी है, तो मान लेते हैं ये डी ए है, तो ये भी क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, डी ए, तो कुल
वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इधर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस इधर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इधर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मैंने phi1 माना, इधर phi1 डैश मान लिया, तो phi बराबर phi1 डैश प्लस e, ठीक है। अब phi1 बराबर क्या होता है, e डॉट ds, ठीक है, या e डॉट da, तो e डॉट da हमने ये किया। अब e डॉट da यानी e da cos थीटा, और cos थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में, क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच कोण कितना जीरो, और cos जीरो की वैल्यू वन, सिर्फ बचा कौन da, तो ये eda, eda, eda इधर का, eda इधर का, वक्र पृष्ठ का काम हो गया जीरो, बचा सिर्फ क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाएं तो इस समतल आवेशित चादर से तो ज्यादा हो नहीं सकता, और इस समतल आवेशित चादर का क्षेत्रफल पहले ही मान लिया गया था कितना है, ए है। तो जब इसका हम क्या करेंगे, संपूर्ण यहां पे लिखोगे आप, संपूर्ण चादर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi बराबर, यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, तो dA की जगह सीधे A आ जाएगा और dphi की जगह E, ठीक है। यहां से हमें चाहिए E, E को हमने रखा इस साइड, बाकी सबको भेज दिया दूसरी साइड, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2A से भाग हो जाएगा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, एफ क्यू की वैल्यू यहां समीकरण नंबर एक से निकाल के रख दी गई, ये ठीक है, ये चीज मिल गई, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं एक चालक प्लेट के कारण, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, एक चालक प्लेट के कारण कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। क्योंकि चालक प्लेट वाला भी कभी कभी जो पूछ लिया जाता है, हालांकि वो तीन नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान देते हैं कि एक समान रूप से आवेशित ये हमारा कोई चालक प्लेट है जो एक समान रूप से आवेशित है। अब चार्ज तो हमारे प्लेट के दोनों साइड होंगे, ठीक है, चार्ज जो है हमारे प्लेट के दोनों साइड होंगे, ये प्लेट वन मान लेते हैं इसको, इसको दो, भाई प्लेट है तो एक चादर इधर होगा, एक चादर इधर होगा। अब प्लेट का ये एक समतल चादर हो गया, ठीक है, तो अब समतल चादर वन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, अभी भी फार्मूला मैंने निकाला, तो phi1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा मान लेते हैं इस सम, जो इधर का जो प्लेट है इसका आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, चादर प्लेट टू के कारण phi2 बराबर कितना हो जाएगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस, भाई प्लेट है तो प्लेट का मतलब है देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमारी प्लेट है तो एक प्लेन इधर, एक समतल चादर इधर, इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, ठीक है, तो इधर वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, और इधर वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि भाई देखिए ध्यान से देखिए, एक इधर दो आवेश बन रहा, और वही चीज मैंने समतल चादर के लिए अभी अभी यही फार्मूला डिराइव किया है, ठीक है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स नहीं यार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ये E2, ठीक है, ये वैद्युत प्लेट वन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और प्लेट ये टू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि अभी अभी मैंने प्रूफ किया था। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितने हो गए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये था हमारा कोई एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, अब हम आपको हर एक चैप्टर के ऐसे से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वन बाय वन करके हर एक चैप्टर का ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ठीक है, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।